श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति 2024 में कब है, 14 तारीख या 15 तारीख। शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, पूर्णकाल का जो समय है वो भी आप जानेंगे, किस चीज़ों का दान करें वो भी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। एक सनातनी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिसे हमारे सब हिंदू भाई बहनों में ये जो समाचार है शुभ मुहूर्त और दिनांक के बारे में कि किस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी उन्हें पता चल जाए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति जो होता है एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस साल मकर संक्रांति की तिथि जो है लोगों में बहुत असमंजस पैदा कर रही है। हालांकि हर साल दो बार ही मुहूर्त दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ पंचांग में मकर संक्रांति 14 जनवरी को हो तो कहीं 15 जनवरी को बताया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार मैं आपको पहले बता दूं कि मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं यानी गोचर करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस बार जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति दोपहर में सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं, तो हम मनाएंगे मकर संक्रांति 15 जनवरी को, क्योंकि सूर्योदय के बाद का जो समय होता है वही हम पकड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सूरज उगने के बाद का समय, भले ही वो आपको 4 घंटे का मिले, 5 घंटे का मिले या 2 घंटे का क्यों ना मिले, लेकिन सूर्योदय के बाद, उदयातिथि के बाद का जो समय रहता है वो ही हम उसी में हम अपने त्यौहार मनाते हैं। तो 15 तारीख को ही सूर्य भगवान जो है मकर राशि में गोचर करेंगे, 14 तारीख को, लेकिन हम 15 को ही अपना त्यौहार मनाएंगे, उसी को हम मानेंगे। स्नान दान करने का अत्यधिक फल प्राप्त होता है और ये बहुत अधिक लाभदायी है, सिद्ध हो जाते हैं आपके सारे कार्य। हो सके तो गंगा के जल से स्नान करें। वैसे हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह, अगर आप किसी भी ऐसी जगह नहीं रहते हैं, मैं भी इस समस्या से जूझती हूँ, लेकिन बहुत आसान सा उपाय आपको बताती हूँ कि आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे आप स्नान करें, और ये आपको सेम ही फल देने वाला है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से किया गया कार्य भक्तों वो सिद्ध होता है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार ये कार्य अवश्य करिए। मकर संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहेंगे तो ये बहुत अधिक फलदायी होता है। आपके घर में सुख संपत्ति का वास होता है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आपको बता दें कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करना तो मैंने आपको बता दिया, अगर सामर्थ है आप जा सकते हैं, आपके घर के पास है तो आप ये काम करिए, नहीं तो कोई भी जो अन्य पवित्र नदियां हैं वहां पे भी आप जा करके स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है, उसे धन की कमी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि इस दिन जो है वो उपवास नहीं रखा जाता है। हालांकि मैं हर दिन ऐसा कहती हूँ लेकिन कि उपवास रहना है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर उपवास नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल, बीहू, तालगुड़ नामों से भी जाना जाता है। अब आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आता है इसमें काले तिल। काले तिल का आप अवश्य ही दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें, कंबल का दान करें, चिवड़ा का दान करें, चावल का दान करें, धन का, पका हुआ भोजन और गुड़ का दान महत्वपूर्ण बताया गया है। अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं।
मकर संक्रांति एक प्राचीन त्यौहार है, जैसा यहाँ पे बहुत सारे घरों में जो आपके मतलब कुल में होता आ रहा है उस हिसाब से भी आप दान करिए, मतलब पूछ करके बड़ों से या आप जो करते आ रहे हैं उन चीज़ों का आप दान करिए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो खिचड़ी बनाते हैं उन्हें उसे खाने खाते हैं उसे खाने से पहले आप थोड़ा सा खिचड़ी किसी गरीब को अवश्य ही दान करिए। इस दिन तहरी और खिचड़ी बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हैं तो उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। खाना पका हुआ भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। सफ़ेद तिल तिल गुड़ का भी आप दान करेंगे बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ही फलदायी रहता है कि सर्दियां आ गई हैं तो आप उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से स्वेटर, शॉल, मोजे, ग्लव्स इत्यादि दस्ताने जो होते हैं गर्म आते हैं वो आप ज़रूर से दे सकते हैं। अगर आपकी तरफ सर्दियां नहीं पड़ रही हैं तो आप उन्हें एक टाइम का भोजन जो भी आप सिद्धा बनाएं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप एक टाइम का भोजन उन्हें ज़रूर से दें और उसमें थोड़ा सा पैसा और जो मिठाई है वो आप अवश्य ही रख दें। कुछ नहीं तो आज के दिन तिल गुड़ देना सबसे अत्यधिक शुभ होता है तो आप तिल गुड़ उन्हें अवश्य ही दें जैसे कि उनके परिवार वाले भी खा सकें और वो भी खाएं। इस दिन पतंग का भी अगर आप दान करते, वैसे तो मैं पतंग उड़ाने पे नहीं वो करती हूँ लेकिन छोटे पतंग आप लाला को चढ़ाएँ अगर आपने घर पर लाला रखे हैं तो, क्योंकि लाला भी हमारे बच्चे का स्वरूप है तो आप लाला को छोटा सा पतंग माझे वाला जो आता है वो आप समर्पित करें, चढ़ाएं उन्हें और भगवान से ये कामना करें कि ये साल आपके घर में धन्य धान भरा रहे। मकर राशि में सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा वो आप जरूर से इस बात का ध्यान रखें और अपने राशि के अनुसार आप दान भी करें। अब आपको बता देते हैं मकर संक्रांति वाले दिन पूर्णकाल का मुहूर्त जो है सुबह रहेगा 6:41 से शाम 6:22 तक। कुल अवधि आपको मिलेगी 11:41 की। महापूर्णकाल का सुबह का ही समय रहेगा 6:41 से 8:38 तक। कुल अवधि आपको 1:57 तक मिलेगी। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। मकर संक्रांति में इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि नहाने के बाद ही जो आपका दान का सामान है वो आप तुरंत निकाल दें। सूर्योदय के समय ही आपको स्नान करना है। सूर्य भगवान को आप इस दिन जल अवश्य ही चढ़ाएं क्योंकि सूर्य भगवान का त्यौहार है मकर संक्रांति, तो अपने परिवार वालों से और खुद भी मकर संक्रांति वाले दिन आप सूर्य भगवान को जल जरूर से समर्पित करें। जल जो है आप उसमें काली तिल डाल करके या जैसे भी आप जल समर्पित करते हैं सूर्य भगवान को, मैंने पहले भी बताया है कि सूर्य भगवान को जल समर्पित करते समय थोड़ा सा हाथ को ऊंचा रखना चाहिए और तांबे का आप पात्र लें या पीतल का पात्र लें, जिस भी चीज़ का आप पात्र लें उसमें थोड़ा सा आप रोरी और थोड़ा सा आप उसमें मिश्री फूल और अच्छत ज़रूर से डालें। अगर आप कभी कभी सूरज भगवान को जल देते हैं तो आप ये कार्य करिए, अन्यथा आप जैसे जल देते हैं वैसे ही जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद उनकी 7 बार परिक्रमा अवश्य ही करिए। आज के वीडियो में आपने जाना कि शुभ मुहूर्त कब है, मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, दान किस चीज़ों का करना चाहिए और इस दिन कैसे पूजा करें ये भी मैंने आपको बताया। इस बात का भी ध्यान रखें कि मकर संक्रांति वाले दिन अपने बाल और दाढ़ी ना बनाएं, जो कि पुरुष वर्ग है और महिलाएं बाल पहले ही धो लें। हालांकि आप अगर नहीं धो सकती हैं तो उस दिन धो सकती हैं लेकिन आप उस दिन ना धोएं और जो तामसी भोजन है उस दिन आप ना करें। एक त्यौहार है ये और शुद्धता का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। किसी भी त्यौहार में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो ज़्यादा ध्यान रखिए उन इन सब चीज़ों का। आप आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
इसी तरीके की जानकारी और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। माता भगवती और सूर्यदेव की कृपा आपके परिवार पर निरंतर ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों।